अस्सलामुअलैकुम फारूक भाई, आरएफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है मारुति वर्षा डीएक्स। मारुति वर्षा और इको दोनों मैक्सिमम सेम गाड़ी होता है। ये गाड़ी में जो फॉल्ट था, इसका फुल पानी कूलेंट जो है उबल हो रहा था। ये कूलेंट का जो कैन है आप देख रहे हैं, देख सकते हैं पूरा रेड रेड हो गया चारों तरफ, यानी पूरा इधर से बबल्स मार रहा था पानी। ये गाड़ी किधर भी गया, इसका काम कराया उसने, इसको हेड खोलने के प्रक्रिया बता दिया, भैया इसका हेड ओपन करना पड़ेगा, गैस्केट चला गया। तब जा कर के गाड़ी उधर से वापस इधर को आया। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, कोई भी बाहर का गाड़ी होता है वो किसी नज़दीकी मैकेनिक से जब फॉल्ट आता है दिखा लेता है, और वहाँ क्या बोलता है कि भैया हमारा अपना मैकेनिक है, आप कुछ कर दीजिए। तो उसने क्या किया, पानी फिलिंग किया, कूलेंट फिलिंग किया दोबारा गाड़ी कॉल करने के बाद, और उसको भेज दिया। वो इधर को आया और बोला, भैया मैं किसी मैकेनिक को दिखाया था, ऐसा ऐसा फॉल्ट बता रहा था, बोला जी इसका हेड ओपन करना पड़ेगा। तब जा कर के मैं गाड़ी को चेक करना स्टार्ट किया। गाड़ी में जो मेरे को फॉल्ट मिला, इधर से फुल प्रेशर से गाड़ी हिट होने के बाद कूलेंट आ रहा था वापस। अब ये पाइप का कनेक्शन किधर से किधर रहता है आपको मैं बता देता हूँ। ये कैप में रहा था उस कूलेंट टैंक में, दूसरा पाइप आपका इधर रेडिएटर को आ जाता, आप देख सकते हैं ये रेडिएटर को आ जाता। रेडिएटर से ये रिडेंडिंग पाइप है और नीचे वाला मेन पाइप है। ये जो नीचे दिख रहा है ये मेन पाइप है। ये मेन पाइप हमेशा नीचे वाला पाइप से आपका जो गाड़ी का वाटर पम्प होता है उस पर पानी जाता और इधर से वापस आता। इसके बीच में एक थर्मोस्टेट वाल का प्रयोग होता, मैं आपको दिखा देता हूँ थर्मोस्टेट वाल। ये इसका थर्मोस्टेट वाल है, ये थर्मोस्टेट वाल का प्रयोग होता। जब हमारे गाड़ी में इंजन फुल हीट हो जाता मैक्सिमम 82 डिग्री सेल्सियस, जब इतना हीट होने के बाद जो ये थर्मोस्टेट वाल ओपन होता और इधर से पूरा कूलेंट रेडिएटर में आ जाता, और रेडिएटर में जो कूलेंट है, जो कॉइल्ड कूलेंट है, वो फिर इंजन को चला जाता। इसी प्रक्रिया हमारे गाड़ी में चलते रहता, ठीक है। इसका जो थर्मोस्टेट वाल है ये 82 सेंसेस का होता है, लेकिन इस पे 88 का डाला हुआ है। 88 जो है बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद, इंजन हीट होने के बाद ओपन होता है। इसलिए आपके पास अगर वर्षा है या इको है तो उस पे जो कंपनी लगाता है 82 का लगाता है, आप भी कभी चेंज करें तो ये सेंसेस जो है 82 का ही लगाइए, 88 का मत लगाना। इसका पूरा सेम बराबर है, सब कुछ है, रोटेट ग्राउंडिंग हाइट सब बराबर है, सिर्फ ये सेंसेस का फर्क रहता है 88 और 82 का। इस पर कितना इको और समय कितना पड़ेगा, 82 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस पे से एक रिडनिंग पाइप जाता है, ये पाइप जो है कहाँ पे लगता है मैं आपको वो दिखाता हूँ, और फॉल्ट जो है वहीं पे है, आपको मैं फॉल्ट भी बताता और पाइप का कनेक्शन भी दिखाता। ये यहाँ से पाइप देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये पाइप इधर से चला गया कंटिन्यू। वो पाइप जो है यहाँ पे ये वाला पाइप आ गया, देख सकते हैं ये पाइप फिटिंग कहाँ पर होता है आपको सामने दिख रहा है, ये घुंडी में फिट होता है। आपको बाहर में जो इसका एक्सचेंज किए बाहर जो दिखा रहे हैं ये देख सकते हैं, इस पर फिट हुआ। इसका एल्बो कवर जो है पूरा आप देख सकते हैं, एल्बो पूरा कट हो गया है, पर इस पर लीकेज नहीं था। इसका फॉल्ट जो है यहाँ पे कैप में था, ये इसका कैप में फॉल्ट था। आप कैप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा इसका जो बूस्ट होता है ये पूरा सड़ गया। इसमें फॉल्ट कब आता है, अगर ये कैप आपका ख़राब हो गया उसके बाद जा कर के यहाँ से कूलेंट जो है डायरेक्ट हो जाता है। जो ही हमारा थर्मोस्टेट वाल ओपन होता तो यहाँ से कूलेंट प्रेशर मारता है और डायरेक्ट जा कर के कूलेंट कैन में पहुँचता और वहाँ बबल्स मारना स्टार्ट हो जाता है। ये पाइप जो है ऑलमोस्ट ऐसी ही रहता है,
ये जब गाड़ी में हाई प्रेशर होता है तो इस पे प्रेशर पास करने के लिए पाइप दिया जाता है, लेकिन इस पे कूलेंट नहीं आना, ना आपका गाड़ी स्टार्टिंग में कूलेंट आना और ना गाड़ी हीट होने में कूलेंट आना और ना ही इस पे से कुछ एयर वगैरह आना, बिल्कुल ब्लॉक रहता है। ठीक है, इस पे अगर आपके पास ओपन है, अगर इससे आप एयर फूंक के देखेंगे तो बिल्कुल ही एयर नहीं जाएगा, पूरा यानी ब्लॉक रहेगा, घिसने पे भी नहीं आएगा और फूंकने पे भी नहीं जाएगा। ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। इसका जो ये पाइप है ये फ्री हो गया था, कैप और लगाने के बाद भी ऐसे अगर आप फूंक के चेक कीजिएगा तो ये फ्री यानी फ्री हो ऑलमोस्ट ये फ्री हो गया था। आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता आप चेक कर लीजिएगा, अगर ये फ्री हो जाए तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो मैंने इसका क्या किया, ये एल्बो चेंज करा दिया। अच्छा, कस्टमर और मैं मैकेनिक से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या करता है मैकेनिक को बोलता भैया एडजस्ट कर दो, तो उस एडजस्ट के चक्कर में क्या करता, वो कैप चेंज कर देता, इस पर राउंडिंग कैप है, वो क्या करता जैसे रेडिएटर में कैप बैठता वो कैप इसे फिट कर देता, ऑलमोस्ट फिट भी हो जाता लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए इसको पूरा सेपरेट ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए इसको पूरा सेपरेट ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 3400 का आता है, कॉस्टली है इसलिए थोड़ा चेंज कराने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके भी गाड़ी में ऐसा फॉल्ट आता है, पानी बबल्स मारता है, तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक करें। अगर इस पे अगर ये बराबर है, अगर इस ये सही तरीके से काम कर रहा है, तो तब जा कर के आप गाड़ी का हेड ओपन करें और गैस्केट वगैरह चेंज कराए, हेड फिनिश करें, वो आप एक अलग प्रक्रिया है, हेड खोलने के बाद क्या क्या होता है, लेकिन फर्स्ट आप एक बार इसको चेक कर लीजिए और उसका चेक करने के बाद भी आप कोई काम करें गाड़ी में। और इस पे जो थर्मोस्टेट वाल है वो आप 82 सेंसियस का लगाए, 88 सेंसियस का ना लगाए। इस पे ईयर आउट करने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम रहा था, 10 नंबर का बोल्ट रहा था, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे यहाँ से ज़रूर ईयर आउट कर लिया करें। इसका ईयर आउट करने का और एक जगह पे देता है, मैं आपको थोड़ा लोकेशन में दिखा देता हूँ। इसका ईयर आउट करने के लिए ये वाला पाइप देता है कंपनी, जो यहाँ पे फिट रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे घुंडी यहाँ पे फिट रहता है। तो इसके लिए आपका जो ये कूलिंग कॉइल का जो हीटिंग कॉइल का जो पाइप है इस पर कनेक्शन रहता है इसका, तो ये गाड़ी का हीटिंग कॉइल ऑलमोस्ट लीकेज था, इसलिए गाड़ी बहुत टाइम पुराना गाड़ी है, इसका कोई मिस्त्री जो है मैकेनिक इसको डायरेक्ट करके रखा है, तो ऑलमोस्ट उसको मैं छेड़ा भी नहीं और कुछ नहीं किया। कस्टमर से मैं बात किया, बोला भैया मेरे को हीटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, लीकेज कर रहा है, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं। तो इस पर कोई भी मैकेनिक को कुछ करने का होता नहीं है, क्योंकि शोरूम में तो ऑलमोस्ट चेंज करा देता है लेकिन लोकल में रिपेयर हो जाता। ओके, तो ये अगर कनेक्शन आपका अगर ऑफ है तो आपको मैं जो 10 नंबर बोल्ट दिखाया वहाँ से आप ईयर आउट कर लीजिए और इधर से कूलिंग फिलिंग कीजिए, ये कैप भी चेंज करा दीजिएगा। मैं ये कैप भी चेंज करा लिया, कभी कभी ये कैप के फॉल्ट से भी बहुत बार प्रेशर आता है, इधर से प्रेशर मार देता है जो हमारा, फिर वो क्योंकि इस पे कैन का पाइप लगा रहता है तो प्रेशर मार देता है, इधर से भी बबल्स मारता है। ले एक कैप और ये थर्मोस्टेट वाल एक बार आप ज़रूर चेक करें और एल्बो भी इसका साथ साथ चेक करें, अगर वो सब सही है तब जाकर के आप हेड खोलें, क्योंकि किसी का पैसा वेस्ट कराना सही नहीं है। तो आप प्रॉपर तरीके से आप काम करें जो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और कस्टमर का बचत भी हो। वीडियो से अगर सहमत है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो जब भी हम अपडेट करें आप तक पहुंचते रहे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, आप वीडियो से कुछ सीख सकें। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। मारुति वर्षा।